नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, सबसे बड़ा त्यौहार गणेशोत्सव शुरू हो चुका है और आज शुरू हुआ, कल गणपति स्थापना हुई, आज डेढ़ दिन का गणपति विसर्जन का दिन आ चुका है और लोग बड़े ही हर्षोल्लास से अपना त्यौहार मना रहे हैं। इस साल जैसा कि शासन की पाबंदियाँ हट चुकी है, वहीं कुछ नई चीज़ें अमल में आई है। महानगर पालिका ने कृत्रिम ताला बनाया है, हमने दो दिन पहले भी एक वीडियो में इस बारे में बताया था आपको। तो इस समय हम खड़े हैं मतलब के पापड़ी तालाब में। यहाँ पापड़ी तालाब एक केंद्र बिंदु रहता है जहाँ गणपति विसर्जन होता है। यहीं तालाब के बाजू में कृत्रिम तालाब बनाया हुआ है और लोग बड़े ही उत्साह से महानगर पालिका के कृत्रिम तालाब को जो चुन रहे हैं और जो कहीं परिकल्पना महानगर पालिका ने सोची थी उसके आधार पर यहाँ भक्तजन जो है अपना विसर्जन बड़े ही उत्साह से कृत्रिम तालाब में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक मुहिम इस समय चली है पर्यावरण को बचाने के लिए, उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन सज्ज है, महानगर पालिका प्रशासन सज्ज है और हर तरह से यहाँ काफ़ी भी भक्तों की भीड़ है और आज ये बड़े अच्छे से यहाँ पे बड़े ही सिस्टम से यहाँ पे विसर्जन शुरू है। तो ऐसे ही आगे के दिनों में भी लोगों की उम्मीद रहेगी। हमने यहाँ अभी महानगर पालिका की उपायुक्त मैडम से बात की, उन्होंने भी कुछ अच्छा संदेश दिया। उन्होंने भी ये कहा कि उनको खुशी है लोग महानगर पालिका की बात को मान रहे हैं और सहकार्य कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मैडम, गणपति विसर्जन शुरू हो चुका है, आज डेढ़ दिन का गणपति विसर्जन हो रहा है और जिस तरह से महानगर पालिका ने एक परिकल्पना की कृत्रिम ताला बनाया, उसी तरह से लोगों का यहाँ पर बहुत अच्छे से सहयोग भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? नक्कीच, वसई विरार शहर महानगर पालिकेने खूप चांगली सोय केलेली आहे आणि प्रथम आपण सगळे कृत्रिम तलाव तयार केलेले आहे, पाठवलं तर लोकांनीही याला भरभरून प्रतिसाद दिलेला आहे आणि अक्षरशः म्हणजे मी बघते तेव्हापासून तरी कोणी अजून तलावात विसर्जन केलेलं नाही आणि लोकांना समजावून सांगितलं की आपले नॅचरल पाण्याचे स्रोत आहेत, ते खराब करायचे नाहीत आपल्याला, म्हणून लोक पूर्णपणे सहकार्य करत आहेत आणि स्वतःहून आपल्या कृत्रिम तलावात विसर्जन करत आहेत। कुछ आवाहन करना चाहेंगे आगे के दिनों के लिए? पुढच्या याच्यासाठी आपण तेच म्हणू की यापुढे शाडूच्या मातीची मूर्तीचा वापर करावा, हिरारीची हाईट छोटी असावी जेणेकरून विसर्जनाला इझी होईल ते, आणि इतर तर सगळ्या गोष्टी आता करतातच, इव्हन निर्माल्य वगैरे पण व्यवस्थित काढून ठेवत आहेत सगळं, नागरिक पूर्णपणे सहकार्य करत आहेत। थँक्यू मॅडम। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।